हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त विकास सिंघल। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं वार्मअप का सेकंड पार्ट, और इस पार्ट में मेरा साथ दे रहे मेरे दो स्टूडेंट, ये है काव्या और ये है अनीश। हेलो हेलो, आइए आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं काव्या। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनीश। क्या आपको हमारे साथ वार्मअप की प्रैक्टिस करनी है? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आज की प्रैक्टिस की शुरुआत करेंगे साइड बेंडिंग से। पहली वीडियो में आपने जो प्रैक्टिस की है, आज की प्रैक्टिस को उसके साथ आपको ऐड करना है। साइड बेंडिंग के लिए पहले हम अपने थोड़े से पैर खोल के खड़े हो जाएंगे, और उसके बाद हमें अपनी बॉडी को साइड में बेंड करना है। इसके तीन स्टेप है। पहले स्टेप में हमें अपना हाथ कमर पर रखना है, दूसरे स्टेप में हमें अपना हाथ नी पर रखना है, और तीसरे स्टेप में आप जितने नीचे हाथ ले जा सके उतने नीचे आपको लेके जाना है। उसके बाद आपको दूसरी साइड करना है इसी को। अब ये दो स्टेप हो गए, इसी तरीके से आपको 10 टाइम ये करना है। इसके बाद नंबर आता है सिंगल स्टेप। साइड बेंडिंग को हम सिंगल स्टेप में करेंगे। सीधा आपका हाथ जो है नीचे तक जाएगा, जहां तक आप एंकल तक लेके जा सके। 1 2। इसी तरीके से इसको भी आपको 10 टाइम करना है। आज की वीडियो की दूसरी एक्सरसाइज करने के लिए हम पहले अपने पैरों को खोलेंगे। अपने हाथों से हम अपने पैरों की टो को टच करेंगे, और वापस आते हुए कमर पर हाथ रखे हमें पीछे जाना है। इस एक्सरसाइज को भी हमें 10 टाइम करना है। आज की तीसरी एक्सरसाइज में आपको अपने पैर खोलकर अपने हाथों को क्रॉस में टो पे टच करना है, और आपका ऊपर वाला हाथ बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। इस तरीके से आपको यह 30 टाइम करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इन आउट। इसके लिए हाथ को जमीन पर टच करना है, अपनी एल्बो को बैंड करके जमीन पर लगाना है, तो एल्बो को ऊपर करना है, और अपने बैक साइड में जितना आप अंदर हाथ ले जा सके लेकर जाना है। इसको हम साइड से भी आपको दिखाते हैं। डबल प्रेस, इसमें आपको अपने हाथ सिर पे रखने हैं, उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाना है, हल्का सा ऊपर उठ के दोबारा नीचे जाके, और आपको ये एक्सरसाइज करते रहनी है। ये आपको एक्सरसाइज 10 टाइम करनी है। अपर स्ट्रेचिंग, इसमें आपको अपने हाथों की उंगलियां आपस में फंसा के हाथ ऊपर करना है, टो पे खड़े हो जाना है। जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी को ऊपर स्ट्रेच कर सके स्ट्रेच करते रहना है, और ऐसा आपको 3 टाइम करना है। बैक बाइंडिंग, इसमें अपने हाथों को कमर पर रखकर पैरों को बंद कर आपको पीछे जाना है। जितना ज़्यादा आप पीछे जा सके आपको होल्ड करना है, और जितनी देर होल्ड कर सके उसके बाद आपको वापस सीधे खड़े हो जाना है। दोस्तों, वार्मअप का सेकंड पार्ट यहीं खत्म होता है। 3 से 4 दिन के बाद मैं वार्मअप की तीसरी और आखिरी वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक आप वार्मअप का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट की मैं बताई हुई एक्सरसाइज करते रहिए। फर्स्ट पार्ट का लिंक मैंने यहाँ दिया हुआ है, इस पर जाकर आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। अगर आप मार्शल आर्ट के बारे में कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज भेज सकते हैं। मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वाइट टाइगर क्लब, और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।